Hello. Audio. ठीक है जी, यही फोटो छाप देंगे। ठीक है जी, मेन मकसद यही था कि हमारा जो इंडस्ट्री दे रही है जी। हमारी फर्स्ट फॉर्मल मीटिंग थी, तो काफ़ी देर से प्लान चल रहा था, लेकिन कुछ समय की व्यवस्था की वजह से इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के जो मेंबर्स थे बिजी थे, तो आज हमें टाइम मिला, तो हम यहाँ पे इनकी जो कुछ परेशानियाँ जो कॉमन है उसके बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ हम इकट्ठे हुए हैं। तो कुछ परेशानियाँ इन्होंने बताई हैं कि जैसे इंक्रोचमेंट है, सिक्योरिटी से रिलेटेड इशूज़ हैं, उसका हम जल्द से जल्द उसमें जो प्रिवेंटिव एक्शन जो है वो हम लेंगे। डायरेक्शन भी दे दी मैंने चौकी इंचार्ज और SHO को, तो निरंतर मतलब कंटिन्यूस मीटिंग अब रहेगी इनसे। यही दिशा निर्देश है कि जी पब्लिक जो है वो पुलिस के आईज एंड ईयर्स हैं, और कभी भी कोई भी अगर उनको कोई संदिग्ध चीज़ दिखती है या संदिग्ध व्यक्ति नज़र आता है तो हमें बिना झिझक के बताएंगे और हम उसको चेक करेंगे, और ताकि ये अपने एरिया में अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे ACP जितेश मल्होत्रा साहब का स्पेशल धन्यवाद करूंगा कि ये पहल उन्होंने उनकी तरफ से करी कि भाई हम आपको मिलना चाह रहे हैं। साथ में हमारे SHO साहब हैं उमेश शर्मा जी, हमारे मनोज कुमार जी जो चौकी इंचार्ज हैं MT के, वो भी साथ में हैं। तो सबसे पहले तो पूरी टीम का, स्पेसिफिकली ACP साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ये सोचिए, पुलिस के पास तो आप खुद समझते हैं कि समय लेके जाना बड़ा मुश्किल होता था, और आज सरकार और पुलिस इतनी ज़्यादा विजिल है और इतनी ज़्यादा सहयोगी है कि वो सामने से उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ आके मिल के IMT का दौरा भी करेंगे, साथ में आपकी समस्याएँ भी समझेंगे और आपस का कोऑर्डिनेशन बना रहे ताकि कोई भी आपको समस्या हो तो आप उसकी जानकारी एक दूसरे को साझा कर सकें। देखिए, कोई विशेष समस्याएं नहीं थी। सबसे पहले तो हमने पुलिस विभाग का स्पेशल धन्यवाद इसलिए किया कि हमारी रिक्वेस्ट पे उससे पहले जो हमारे प्रधान थे किशन कौशिक जी, उनकी पहल पे पिछले साल ही हमने चौकी को दोबारा यहाँ खुलवाया। हमने यहाँ एक जिप्सी और एक बाइक दो गए, तो पूरी टीम यहाँ पर सजग रहती है हमेशा, लेकिन हाँ छोटी छोटी चीज़ें जो चलती रहती हैं वो हमने ACP साहब की, SHO साहब की, हमारे चौकी इंचार्ज साहब के संज्ञान में लाई कि भाई रात की एक गश्त जो है 5 बजे के आसपास कबाड़ी लोग आते हैं, या कुछ एनक्रोचमेंट्स के मुद्दे थे, बड़े जनरल बड़े छोटे जो चीज़ें थी, आम कोई स्पेसिफिक कोई बड़ी ऐसा मुद्दा नहीं था। आज एक कट सी मीटिंग थी, लेकिन हाँ बड़ी बहुत ही फ्रूटफुल रही, शिष्टाचार भेंट कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उससे एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक दूसरे की जानकारी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहती है, कभी भी सुरक्षा के लिहाज से भी और समाज के लिहाज से भी। इसका ये जो दोस्ताना अंदाज है, इसकी वजह से हमारा जो IMT इंडस्ट्रियल एरिया है, ये पहले भी सेफ था, आज भी सेफ है और आगे भी सेफ रहेगा। जिस हिसाब से अश्योरेंस दिए हमारे ACP साहब जितेश मल्होत्रा जी ने, सर आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपने इतने अपने इमीडिएट बैठे बैठे आपने एक्शन ले लिया, आपने अपने जूनियर्स जो भी SHO साहब हैं, उमेश कुमार जी और मनोज कुमार जी चौकी इंचार्ज जो हैं, उनको आपने डायरेक्शंस दे दी कि हमें किस तरीके से इसका सोल्यूशन निकालना है। हम चाहते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में जहाँ हम काम कर रहे हैं सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए, एनक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए। आपने सारे मुद्दे उठा लिए हैं और उन मुद्दों का समाधान आपने निकाल लिया है, और आने वाले समय में हम यहाँ तेज़ी से इम्प्रूवमेंट देखेंगे। और हम भी चाहते हैं इंडस्ट्री भाई, इंडस्ट्री के जितने भी हम सब भाई लोग हैं, हम चाहते हैं हम एक बेटर इंडस्ट्रियल एरिया में काम करें। कोई हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में आए तो वो अच्छी छाप उनके दिमाग में जाए, क्योंकि फॉरनर्स आते हैं, क्योंकि यहाँ एक्सपोर्ट यूनिट्स बहुत सारी हैं और सारी बड़ी यूनिट्स हैं और अच्छी यूनिट्स हैं, जो अच्छा माहौल मिले और इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करने का चांस मिले। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। अरे ACP साहब आए हैं, SHO साहब आए हैं, चौकी इंचार्ज साहब आए हैं, और हमारी सारी समस्याएं इन्होंने बहुत सुनी हैं, और हमने स्टार्टिंग से अब तक सारी समस्याएं इनको बताई भी हैं, और उनके लिए उन्होंने बोल भी दिया है कि आगे आगे इस तरह की समस्या नहीं होगी। क्योंकि जैसे हमारे IMT में कम से कम मेरे ख्याल से लाखों आदमी डेली आते हैं और लाखों बंदे जाते हैं, और ख़ासकर सुबह और शाम तो बिल्कुल IMT में जाम की सिचुएशन हो जाती है। तो उसके बारे में हमने उनको सुझाव भी दिया और उन्होंने भी अपनी टीम को बोला है कम से कम सुबह शाम इसको देखें
और रोड पे कम से कम गाड़ी ना खड़ी होने दें, तो इंक्रोचमेंट नहीं होगी तो ट्रैफिक बिल्कुल स्मूथ चलेगा। तो हमारी समस्या सारी बहुत ढंग से सुनिए। एसीपी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, एसएचओ साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और चौकिनचार साहब जो सुबह से शाम तक फुल सेवा हमारे आईएमटी की कर रहे हैं, आप सबका हमारे आईएमटी में आने पर हमारी तरफ से, आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच।